हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सबका फैंटेसी फॉर लाइफ के यूट्यूब चैनल में। तो आई होप आप काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी अच्छा विन भी कर रहे होंगे। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले जो हमारा मैच रहेगा स्विट्जरलैंड वर्सेस स्पेन का, तो क्या कुछ जो है इस मैच के रिलेटेड सारी चीज़ें रहने वाली है, क्या लाइक आप जो ग्रैंड लीग की टीम्स रहेंगी, कौन से स्मॉल लीग कैप्टन वाइस कैप्टन है, सब चीज़ें डिस्कस करने वाला। बाकी आपने थंबनेल में देखा कि भाई ग्रैंड लीग जीती है, तो एक दिखा भी देता हूँ क्योंकि काफ़ी लोगों को यकीन नहीं होगा फिर। तो ग्रैंड लीग की रैंक मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो, कल हमने तीन मैचेस खेले थे जिसमें कि एक था वेल्स वैसे नीदरलैंड का, इसकी रैंक भी आपको मैं दिखाता हूँ। 24,000 मेंबर्स में 45 रैंक आई थी, ठीक है, एक ये रैंक रही। उसके बाद में मैं हमेशा बोलता हूँ कि मेरी ग्रैंड लीग टीम जो रहती है वो ऐसी रहती है, या तो बहुत ख़राब रैंक आई या बहुत अच्छी रैंक आपके आने वाली है। अच्छी देखी बेल्जियम वर्सेस पोलैंड, बहुत ज़्यादा गोल्स हो गए थे तो उस वजह से टीम कॉम्बिनेशन काफ़ी ख़राब हुए, लाइक 6-1 हो गया। अगर 2-3 गोल लगते तो डेफिनेटली इसमें भी आपको अच्छी रैंक देखने को मिलती, तो इसमें ठीक ठाक आई, काफ़ी टीम्स बाहर हुई थी। बट अपनी जो स्मॉल लीग की टीम थी उसमें काफ़ी अच्छा बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया, 197 रैंक आप देख रहे हो इधर, वो भी 2400 मेंबर्स में, 531.5 पॉइंट्स थे। अब आप कहोगे भाई तुमने लीग क्यों नहीं खेली स्मॉल लीग, मेरी जो स्मॉल लीग्स रहती है वो विजन 11 पर रहती है। जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ कि मैं ग्रैंड लीग ड्रीम 11 पर खेलता हूँ, स्मॉल लीग खेलता हूँ विजन 11 पर। अगर आपके पास नहीं है विजन 11 तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। एंड उसके बाद में जो ग्रैंड लीग विन है वो मैं आपको दिखाता हूँ, इधर देख सकते हो सीधा रैंक 1 है इधर से, ठीक है, 4500 मेंबर्स की थी, इसमें छोटी ग्रैंड लीग ओपन हुई थी, अदरवाइज ज्वाइन मैं ज़रूर करता, बट यहाँ पर आप इधर देख ही सकते हो, ठीक है, सीधा 1 पर है तुम्हारा भाई एंड कोई आसपास नहीं। तो ये है अभी के लिए, बाकी अभी चलते हैं अपने प्रीव्यू के ऊपर। तो बात करें मैच की, मैच है स्विट्जरलैंड वर्सेस स्पेन के बीच में, यूएफा नेशंस लीग का 12:15 रहेगी इस मैच की भी डेडलाइन। वेन्यू है स्टेट डे जेनेवा, जेनेवा में ये जो मैच है वो होने वाला है, मतलब कि स्विट्जरलैंड का ये होम ग्राउंड है, स्पेन आज के लिए अवे टीम रहेगी। तो एक स्विट्जरलैंड के लिए ये फेवर चीज जरूर जाती है। फीफा रैंकिंग की बात करूँ स्पेन 7th पर है, स्विट्जरलैंड 14th पर है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो मे बी स्पेन हार भी सकती है, कुछ 30-40% मैं बोलूँगा हारने के चांसेस स्पेन के बनते हैं इधर से, ठीक है। एक तो होम ग्राउंड एडवांटेज और फीफा रैंकिंग में इतना ज़्यादा अंतर नहीं है कि आप स्पेन को सीधा ऐसे मान लो कि भाई 1-0 विन कर जाएगी। बाकी बात करें इधर से, स्पेन वर्सेस पोर्टुगल हुआ, 1-1 से ड्रॉ रहा जिसमें कि मोराता का गोल आया, सराबिया का आया असिस्ट। उसके बाद में चेक रिपब्लिक वर्सेस स्पेन हुआ तो ये मैच रहा 2-2 से ड्रॉ, जिसमें कि एक गोल तो आया गवी का जिसमें रोड्री का असिस्ट था, एक गोल आया मार्टिनेज का जिसमें कि असेंसियो का असिस्ट था। उसके बाद में स्विट्जरलैंड जीतने के चांसेस है, बट 30-40% क्यों है, पूरे क्यों नहीं, फॉर्म देखो इधर से काफ़ी ख़राब है। पोर्टुगल से हारे 4-0 से, चेक रिपब्लिक से हारे थे 2-1 से, जिसमें कि एक गोल जो स्विट्जरलैंड ने किया था वो आया था नोहाउ ओकाफोर का। तो ऐसे कुछ ज़्यादा अच्छी फॉर्म है नहीं स्विट्जरलैंड की, स्पेन ड्रॉ ड्रॉ खेलती आ रही है, अभी के लिए उनके लिए भी लाइक ये मैच विन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में स्विट्जरलैंड की बात करो तो यान सोमर है इनके गोलकीपर, उसके बाद में सिल्वान विडमेर है, एरे कोमर्ट, फेबियन फ्री, रिकार्डो रोड्रिगस देखने को मिल जाएंगे, उसके बाद में रेमो फ्रूलर, ग्रैनिट साका, ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर है स्विट्जरलैंड की तरफ से मिडफील्ड सेक्शन में। उसके बाद में शेरदान सकीरी है, नोआ ओकाफोर एंड देन रेनातो स्टीफन है, उसके बाद में ब्रिल एम्बोलो इनके आज के लिए मेन स्ट्राइकर रहने वाले, यहाँ पर सेफेरोविक भी खेल सकते हैं, सो ये भी ध्यान में रखना। तो ये रह सकते हैं आजकल स्विट्जरलैंड की प्लेइंग 11। अब इसमें इंपॉर्टेंट पिक्स कौन से, एक तो ब्रिल एम्बोलो एज अ मेन स्ट्राइकर है, क्योंकि उसके बाद में आपके लिए शेरदान शकीरी एक इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, काफ़ी अच्छा लाइक मिडफील्ड प्लेयर रहेंगे ये। उसके बाद में ग्रैनिट साका, फ्रूलर एंड देन इधर से बात करूँ तो एक गोलकीपर, सो 4 से 5 प्लेयर आपके लिए स्विट्जरलैंड के लिए सबसे बेहतरीन है। एंड स्मॉल लीग में आप स्पेन के फेवर में 7-4 कॉम्बिनेशन बना सकते हो, स्मॉल लीग में रिस्क ज़्यादा नहीं लेना है, ठीक है। ग्रैंड लीग में ज़रूर हम स्विट्जरलैंड के फेवर में भी टीम बनाकर चलेंगे। उसके बाद में बात आती है स्पेन की, तो स्पेन की तरफ से उनाई साइमन जो है एज अ गोलकीपर रहेंगे, उसके बाद में जोड़ी आल्बा, एरिक गार्सिया, पाउ टोरेस एंड सेजार एस्पिलिक्वाटा, ठीक है। तो ये आपको स्पेन की तरफ से डिफेंस सेक्शन, और एटलीस्ट मैं बोलूँगा 3 डिफेंडर तो ज़रूर ले रहे हैं, सेजार एस्पिलिक्वाटा, आल्बा को मोस्टली टीम्स में रखना, एरिक गार्सिया एंड पाउ टोरेस में से किसी एक को रख लेना, स्मॉल लीग की टीम और ग्रैंड लीग दोनों में आपके लिए कॉम्बिनेशन में बता रहा हूँ। उसके बाद में बात आती है गवी की, सर्जी बस्केट्स, मार्कस लोरेंटे। अब आते हैं, देखो गावी ने लास्ट मैच में गोल कर दिया, बट ऐसा नहीं है कि हर मैच में गोल देखने को मिलेगा, अच्छे मिडफील्डर हैं, बट मैं जहां तक मानता हूं कि एक उतना ही ज़्यादा रिस्क भी है, क्योंकि अगर गोल नहीं किया तो जल्दी सब्स्टिट्यूट भी हो सकते हैं, ठीक है, और उतने ज़्यादा आपको पॉइंट भी नहीं देकर जाएंगे अगर इन्होंने गोल असिस्ट कुछ नहीं किया तो। सर्जी बस्केट्स ऐसे प्लेयर है जो कि अगर गोल असिस्ट ना भी किया ना तो भी टैकल से, इंटरसेप्शन से, ठीक है, और एक दो चांस भी क्रिएट करने के थोड़े बहुत रहते हैं, वो पॉइंट भी आपको मिल सकते हैं, बाकी पासेस ये उतने बेहतरीन पॉइंट आपको दे देंगे आराम से। उसके बाद में मार्कस लोरेंटे भी कुछ ऐसा ही है, ये चांसेस क्रिएट, असिस्ट के चांसेस इनके बन जाते हैं। उसके बाद में फेरन टोरेस, अल्वारो मोराता और मार्को असेंसियो खेलने वाले हैं, जिसमें कि अल्वारो मोराता सबसे ज़्यादा सेफ है, उसके बाद में फेरन टोरेस एंड इधर से बस्केट्स। तो ये 3 मिडफील्डर्स
ठीक है। और बाकी आप या तो चार डिफेंडर, और अगर तीन डिफेंडर लेते हो तो इधर से मार्को असेंसियो को भी आप जो है ले सकते हो अपनी टीम में। बाकी रिसेंट फॉर्म की बात करें तो स्विट्ज़रलैंड जो है वो पिछले 5 मैचेस में 3 हारी है, एक ड्रॉ रहा है, एक फिन है, तो बहुत ज़्यादा ख़राब फॉर्म में। वहीं पर स्पेन की बात करो तो वो लगातार विन करते आ रहे थे, इससे पिछले के मैचेस जो है ना वो भी विन ही थे, ठीक है। और अभी जो रिसेंट मैचेस है वो 2 ड्रॉ है, तो एक विन अब इनको भी लाइक नेशंस लीग में ना नंबर वन स्पॉट पर रहने के लिए चाहिए ही चाहिए, अदरवाइज वो नंबर वन स्पॉट जो है इनको नहीं मिल पाएगा। ओवरऑल की बात करूँ तो बहुत ज़्यादा ही बेहतरीन रिकॉर्ड है स्पेन का, इधर से 23 मैचेस हो चुके हैं हेड टू हेड में, 17 स्पेन 5 ड्रॉ, और आज तक सिर्फ एक मैच ऐसा है जो कि स्विट्ज़रलैंड ने इधर से विन किया। तो मतलब कि उतना बेहतरीन रिकॉर्ड तो स्विट्ज़रलैंड का यहाँ पर नहीं है, बट स्टिल ग्रैंड लीग में ज़रूर रिस्क लेंगे, क्योंकि लाइक ऐसा तो है नहीं कि हमेशा ऐसा ही होता रहेगा कि स्पेन जीतेगा, अभी तो स्विट्ज़रलैंड भी जीतेगी, तो मे बी ये वो मैच हो सकता है। तो ट्राई ज़रूर करना अपनी 2-3 ग्रैंड लीग की टीम स्विट्ज़रलैंड के फेवर में, ठीक है। तो वो एक चीज़ है। बाकी उसके अलावा आपकी ग्रैंड लीग के कौन से प्लेयर है ग्रैंड लीग के लिए? नौ ओकाफोर को वाइस कैप्टन, कैप्टन वाइस कैप्टन जरूर ट्राई करना वापस से, इधर से फ्रुलर को ट्राई करना। एंड देन स्पेन की तरफ से बात करूँ तो फेरन टोरेस वापस से गावी को एज ए कैप्टन वाइस कैप्टन, फेरन टोरेस एंड मार्को असेंसियो। अब देख लेते हैं अपनी आज के लिए स्मॉल लीग की टीम, ये रह सकते हैं आज के लिए टीम, जिसमें कि आल्बा एस्पिलिकोटा गार्सिया है। मिडफील्ड सेक्शन की बात करूँ बस्केट सकेरी जाका एंड गवी को पिक किया है, एंड फोर्ड सेक्शन में मोराता है, फेरन टोरेस है, ब्रिल एम्बोलो मेरे पास रहेंगे, ठीक है। अब अगर आप चाहो तो आप इधर से जो है मार्को असेंसियो को ले सकते हो, बट दिक्कत क्या होगी देखो मार्को असेंसियो को इधर से पिक करने में, कि वो है इधर स्ट्राइकर सेक्शन में, एंड अगर आप इनको लोगे तो फिर आपको फेरन टोरेस या ब्रिल एम्बोलो किसी को मिस करना पड़ेगा, जो कि रिस्की ऑप्शन हो सकता है। तो फिर मैं सोचा गवी की तरफ ही चले जाते, बट अगर आप टोरेस या एम्बोलो में किसी के ऊपर रिस्क लो तो एसेंसियो को जरूर ले लेना। कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करें, अल्वारो मोराता जो है वन ऑफ द बेस्ट कैप्टन बनेंगे इस मैच के लिए। वाइस कैप्टन के लिए आप क्या कर सकते हो? वाइस कैप्टन के लिए या तो आप टोरेस को ट्राई कर सकते हो, ठीक है, या फिर आप सीधा ऑप्शन जो हमारे पास डिफेंस सेक्शन में वाइस कैप्टन आल्बा, ये आप ट्राई कर सकते हो। ये रहेगी टीम अभी के लिए, एंड लाइक आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करना, ताकि आप जो कोई मैच की वीडियो ना बिल्कुल भी आप मिस ना कर पाओ। और लाइक ग्रैंड लीग टीम अगर आपको चाहिए स्मॉल लीग के लिए, और सारी लाइक टीम्स वगैरह दूसरे फुटबॉल मैचेस की भी, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो जाके जरूर ज्वाइन करना। बाकी ऑल द बेस्ट इस मैच के लिए, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही ज़्यादा जल्द।